सोच रहे हो क्या क्या स्माइल कर रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा लगता है ना, देखो मरून शर्ट अच्छा लग रहा है मेरे में, है जच रहा है बिल्कुल। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक लखनऊ यूनिवर्सिटी BH सेकेंड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है, विद्यालय प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विज्ञान, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन जिसको कहते हैं। तो इसका फोर्थ यूनिट हम देखेंगे। फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, एक है विद्यालय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो इससे संबंधित सवाल आते हैं, जिससे मान लो पूछ देगा आपसे कि स्वच्छता की अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य स्पष्ट करिए, या फिर पूछ देगा कि विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित होने वाले कार्यक्रमों को उल्लेख करिए, मतलब जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में उसके बारे में आपको बताना हो सकता है। हेल्थ एंड हाइजीन, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, मीनिंग डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ, तो इसके बारे में आपसे एक फिक्स सवाल पूछता है, कंफर्म पूछता है आपका। फोर्थ यूनिट का एक सवाल है, तो हम इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ये पार्ट ए होने वाला है, पूरा यूनिट जो है फोर्थ यूनिट उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। जैसे इसके अलावा आपसे क्या पूछता है, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा फर्स्ट एड, फर्स्ट एड से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएँ बताइए, उसके उद्देश्य बताइए। इसके अलावा मिड डे मील भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं जैसे संक्रमण रोग, इस तरीके के सवाल जो वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो छोटे छोटे सवाल हैं उसको हम सेकंड पार्ट में, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, जैसे हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इसके इसको उस अर्थ, उदाहरण, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएँ हेल्थ के बारे में, स्कूल्स में होने वाले हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में, सरकार के द्वारा हेल्थ रिलेटेड जो इशूज़, जो इनिशिएटिव किए गए हैं, जो सर्वे या फिर जो कैंपेन चलाए गए हैं उसके संबंधित देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, बातों बातों में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, लखनऊ यूनिवर्सिटी BH सेकेंड सेमेस्टर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। सो फर्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एंड व्हाट डू यू मीन, व्हाट एग्जैक्टली द हेल्थ इज। तो देखो स्वास्थ्य हम सब समझते हैं, मतलब स्वास्थ्य ऐसा हो कि हर एक तरीके से, जैसे मान लीजिए आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, भावात्मक रूप से भी स्वस्थ रहें, मतलब एक बढ़िया व्यक्ति रहें, बढ़िया इंसान रहें, हंसमुख रहें, खुशनुमा चेहरा रहे। अब जैसे मान लो कोई बीमारी नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बीमारी नहीं है लेकिन मुँह ऐसा बना रहेगा कि उनको देख के आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, तो उसको आप स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वस्थ का मतलब खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, आप सभी खुश रहिए, देखो मुस्कुराते हुए रहिए, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य की अगर हम परिभाषा की बात करें, स्वास्थ्य को समझने की बात करें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये क्या कहता है स्वास्थ्य को लेकर, कहता है कि देखो स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है। कंप्लीट क्या है भाई, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, एंड नॉट मेरली एज एब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फर्मिटी, केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्वस्थ हैं, स्वस्थ का मतलब आप कंप्लीट रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक तौर से भी स्वस्थ रहें, ठीक है। जैसे समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको अच्छा लगे, समाज में कुछ गलत हो रहा है तो आपको गलत लगे, तो इस रूप से भी आप स्वस्थ रहें तब आप क्या हैं, स्वस्थ हैं। और बताइए आप लोग स्वस्थ हैं, सब ठीक ठाक मजे में? अभी तो रिसेंटली होली बीती है तो मस्त ही होंगे, हाँ अगर उतर गई हो तो। जोक सवार, चलिए आइए। JF विलियम ने कहा था स्वास्थ्य के बारे में, स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है, ठीक है। हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इनेबल द इंडिविजुअल टू गिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। तो ये हो गए डेफिनेशन। अब देखिए यही वो फर्क है जो एग्जाम्स में आपको दिखाई देगा, जब आप इस तरीके से कोट्स करके लिखेंगे ना, तो देखो स्वास्थ्य के बारे में तो सबको पता है, स्वास्थ्य के बारे में लिख तो सब लेंगे, लेकिन जब आप इस तरीके से इनके नाम कोट्स करेंगे कि अकॉर्डिंग टू JF विलियम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन थे भाई, WHO, तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ लिख के आया है और ये चीज़ों को अच्छे से लिख रहा है। अब आइए टेवर के अनुसार, स्वास्थ्य व्यक्ति की वो स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर एवं मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। The health is the sound stage of the individual in which his mind and his body work actively. शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रूप से, सक्रिय रूप से काम करें। Got it? तो इन तीन चार जो परिभाषाएं आप उसको याद कर लीजिएगा और इसको एज इट इज लिखिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। स्वास्थ्य के पहलू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, किन किन पहलुओं से आप देखेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, तो पहला भाई मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है कि हाँ मानसिक रूप स्वस्थ है, शारीरिक अथवा मौलिक, फिजिकल हेल्थ, बॉडी के रूप से, मतलब जैसे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई ऐसे चीज़ें हैं उसके साथ नहीं हो, जैसे कुछ ऐसी बीमारी होती है ना, दाग दाग निकल जाना जिसे माताजी कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं, तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक व्यवस्था में भी वो स्वस्थ हो।
ठीक है। इन तीन पहलुओं के अतिरिक्त कुछ स्वास्थ्य के अन्य पहलुए भी होते हैं। इन पहलुओं के आधार पर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है। जैसे स्पिरिचुअल डायमेंशंस, आध्यात्मिक पहलू, इमोशनल डायमेंशंस और हॉलिस्टिक मतलब कंप्लीट, यू नो, वास्तविक स्वास्थ्य पहलू, कंप्लीट जैसे एकदम खुश मिजाज। तो इस तरीके से आप ये सारे पहलू हैं, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके हिसाब से आप बता सकते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। स्वास्थ्य के निरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। अब आइए कारक देख लेते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक मान लीजिए या वास्तव में स्वास्थ्य के कारक मान लीजिए। तो भैया देखिए, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स, आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर और सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। अब जैविक कारक में दैहिक और मानसिक, बॉडी और मेंटल, ये कारक हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिजिकली आप फिट नहीं है या फिर मेंटली आप फिट नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। सामाजिक कारक मतलब परिवार, जलवायु, समुदाय, परिवेश, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार मान लीजिए, परिवार का आप रहन सहन कैसा है, पानी जो पी रहे हैं वो कैसा पी रहे हैं, स्वच्छता कितना है, सफाई कितना है, जलवायु जिस जलवायु में आप रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे किस तरह की जलवायु है, बहुत ज़्यादा धूप है तो फिर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आसपास पेड़ पौधे है कि नहीं। समुदाय और परिवेश का मतलब आसपास पेड़ पौधे है कि नहीं, ठीक है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब आप पैसे की बंदोबस्त कैसा है, व्यवसाय कैसा है आपका, शिक्षा और आमदनी, मतलब किस प्रोफेशन में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक मतलब परिवेश और रीति रिवाज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, ये सवाल कई बार पूछा है, ठीक है, स्वास्थ्य की अवधारणा और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कई बार पूछा। तो स्वास्थ्य की अवधारणा की जब बात करें तो तीन चार कोट्स जो मैंने बताए आप उसको मेंशन करिएगा और कारक में ये पॉइंट डालकर इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस इतना ही पढ़ना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब आइए बात कर ले अगर हम विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उद्देश्य, स्कूल में कई बार हेल्थ लेके कोई प्रोग्राम किए जाते हैं तो उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। भैया देखिए, विद्यालय में सकारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करना, बच्चों को बताना कि पॉजिटिव हेल्थ के बारे में भी आप कॉन्शियस रहिए। दूसरा, रोगों के रोकथाम के तरीके बताना कि कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, सफाई रख के और नाखून, जैसे नाखून काटना, बाल को सही से रखना, तो ये सारी चीज़ें वो क्या है, प्रोसेस है जिससे आप बता के रोगों को रोकथाम कर सकते हैं। प्रारंभिक निदान मतलब फर्स्ट एड की बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंस्टेंट उससे आप कैसे रिलीज करेंगे, इसको अवगत कराना। मान लीजिए किसी का हाथ कट गया, तो हाथ कट गया, खून बह रहा है, डॉक्टर तक आप जब जाएंगे तब जाएंगे, पहले आप देखिए कि वहाँ पे मिट्टी तो नहीं लगी, सफाई वफाई करिए उसका और उसको कुछ से रोकिए ताकि ब्लड बाहर ना आए वो, तो इस तरीके से आप निदान करेंगे। प्राथमिक निदान उपचार तथा अनुवर्ती सेवाएँ प्रदान करना। छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इंग्लिश मीडियम आप आई होप यू आर कंफर्टेबल राइट, लिख लोगे बहुत अच्छा। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित करना, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को सुनिश्चित करना। चिकित्सकीय संकट में से निपटने के लिए योजना उपलब्ध कराना, कभी ऐसे मेडिकल कंडीशंस आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोरोना आया, बच्चों को जानकारी रहेगी कि हाँ ये संक्रामक रोग है, इससे हमें बचना है, हाथ समय पे धोना है, मास्क पहनना है या कहीं भी, तो इस तरीके की जानकारी उनको देना और इस तरीके के जो मेडिकल इमरजेंसी होते हैं उस समय आप क्या कर सकते हैं, अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो ये है स्कूल में कुछ प्रोग्राम रखने के उद्देश्य, यहाँ से आप पॉइंट नोट करिए और फटाफट से इसको लिख देंगे आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। छात्रों के स्वास्थ्य और शैक्षिक समस्याओं के पहचान और समाधान के लिए प्रणाली बताना। आप ये जब ट्रीट करेंगे तो आप भी देखेंगे किस बच्चों की क्या बीमारी है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ये प्रॉब्लम है, आप उसे डील करेंगे। व्यापक और उचित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित अधिगम वातावरण प्रदान करना, जो भी इन्वॉल्व हमारे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जो दूसरे को भी जा सकता है तो ये सेफ नहीं है, तो आप उसकी प्रोग्राम करेंगे, जानकारी देंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे, तो एक सुरक्षित अधिगम वातावरण बनाएंगे आप। परिवार तथा समुदाय की काउंसलिंग करना, आप बच्चों से, उनके फैमिली से बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा काउंसलिंग करिए। देखिए, छात्रों के उपचारात्मक, रेफरल और अनुवर्ती सेवाएं प्रदान करना, जो भी हो सके वो आप उसको डील करेंगे उस बीमारी को। तो ये क्या है उद्देश्य स्कूल में हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम चलाने के लिए। कुछ यहाँ पर और पॉइंट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको नोट करिएगा। जैसे भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अभी जो रिसेंटली चल रहा है ना वो कौन सा है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में क्या आता है भाई, भारत सरकार एक मेडिकल इंश्योरेंस देता है जिससे अगर आपको कोई कोई ऐसी बीमारी हो तो आप 5 लाख तक का, शायद 5 लाख तक का कवर आप ले सकते हैं, आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो ये एक रिसेंट का है। इससे पहले भी चिरायु योजना चलाई गई, चिरायु योजना या चिरायु योजना अभी भी राजस्थान में चलती है, जब मैं इसको देख रहा था तो राजस्थान में शायद अभी भी कंटिन्यू है, मुझे उत्तर प्रदेश का पता नहीं। देखिए, कुछ सेवाएं या कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि ऑन पेपर ही चली जाती हैं, हम तक नहीं पहुंच पाती है,
इसके लिए हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा और समाज को भी जागरूक रहना पड़ेगा। तो ये वो संस्थाएं हैं, ये योजनाएं हैं जो पहले चली हैं, जैसे चिरा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिराई योजना संचालन 2015-16 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूलों, आंगनबाड़ी तथा अनुदान प्राप्त विद्यालय के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस योजना में 18 वर्ष तक के छात्र सम्मिलित थे। 18 वर्ष से कम बच्चों का स्वास्थ्य ट्रीटमेंट चेक किया गया कि कैसे इनका स्वास्थ्य है। आर के एस के मतलब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो टीन एज के बच्चे थे उनको स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं दी गई, उनको बताया गया कि आप इस समय कैसे स्वास्थ्य से आप स्वास्थ्य खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये जागरूकता एक अभियान थी। सरकार ने दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम द्वारा किशोर को विभिन्न आवश्यकता के पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सूचनाएँ एवं सेवाएँ प्रदान की गई। किशोर अवस्था आपको पता है बड़ी तूफान की अवस्था होती है, बच्चे बहुत सारी शारीरिक मानसिक और सामाजिक गलतियां करते हैं, तो इस समय उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए RKSK मतलब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इसको लगाया गया। राष्ट्रीय पोषण नीति की बात करें, ये भी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज लाई गई, ठीक है। यह नीति 1986 में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में सरकार द्वारा अपनाई गई। इस नीति का उद्देश्य कुशलपूर्ण उन्मूलन तथा सभी पोषण प्रदान करना, मतलब कंप्लीट बैलेंस डाइट बच्चों को देना, न्यूट्रिशंस के बारे में जागरूक करना था। छात्रों को दी जाने वाली भोजन में पोषण की जांच करनी तथा उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस नीति या नीति का उद्देश्य था। RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, गाँव में क्या होता था कि बच्चों की मृत्यु दर बढ़ने लगी, तो उसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लगाया गया। राजीव गांधी योजना SABLA, इस योजना की शुरुआत 2010 में हुई। इस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार किया गया। बालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वच्छता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। यह योजना पायलट आधार पर पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही है। तो ये वो मतलब आप इसको पॉइंट को नोट करिएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखिएगा, ये वो कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा चलाए गए थे। गॉट इट, क्लियर? चलिए, हाँ, अब एक देख लेते हैं, एक दो पॉइंट आएगा फिर इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। वो क्या है दोस्तों, एक चिकित्सीय निरीक्षण और चिकित्सीय परीक्षण। देखो अब हम बहुत ज़्यादा नोट्स पे नहीं जाएंगे, बस जनरली समझने की कोशिश करते। चिकित्सकीय मेडिकल इंस्पेक्शंस क्या होता है, समय समय पे स्कूल्स में मेडिकल इंस्पेक्शंस होता है बच्चों को देखने के लिए कि जैसे उनकी सफाई कैसी है, नाखून कैसा है, बाल कैसे हैं, कान कैसा है, बॉडी कैसा है, मतलब इस चीज़ की इंस्पेक्शन की जाती है, ठीक है। तो और वही हम बात करें इम्यूनाइजेशन की, यानी कि प्रतिरक्षण की, तो आप भी, मुझे तो लगा था जब मैं स्कूल में था तो मुझे हेपेटाइटिस बी का टीका लगा था, ठीक है। स्कूल में आते थे तो जिनका लग एक बार लग जाता उनको नहीं लगाते थे, मेरा अभी भी यहाँ पे निशान होगा ऐसा गोल सा, एक सिक क्वाइन की तरह। तो हेपेटाइटिस बी की टीके लगाए जाते थे स्कूल में, तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत, यानी प्रतिरक्षण। जैसे कोविड का वैक्सीन लगना, ये भी क्या है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना है। तो ये समय समय पे स्कूल में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो चिकित्सकीय निरीक्षण अगर सवाल पूछता है तो उसके बारे में ज़रा सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख तो लेंगे आप। चिकित्सीय निरीक्षण में छात्रों के आँख, नाक, कान, दांत, गले, हाथ तथा पैरों की जांच की जाती है, साथ ही पेट, त्वचा या अन्य सभी प्रकार की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। मेडिकल निरीक्षण विद्यालय की गतिविधियों का एक विस्तार है जिसमें शिक्षक तथा चिकित्सक सम्मिलित रूप से प्रत्येक छात्र की उचित स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के छात्र के बेहतर स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना है, छात्रों में रोगों से बचने, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का निरीक्षण करना है। समय समय पर स्कूलों में स्वास्थ्य निरीक्षण होता है, मेडिकल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चों का स्किन कैसा है, उनके हाथ, नाक, कान, मतलब साफ सफाई कैसे, मतलब कोई बीमारी, कोई फुंसी या कोई फोड़ा, कोई तकलीफ इस तरीके का नहीं है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो बिल्कुल संक्रामक रोगों की जांच करना तथा छात्रों के प्रति सचेत करना, मान लीजिए किसी बच्चे के पास ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जो फैल सकती है तो इसकी जानकारी लेना, छात्रों की शारीरिक विकृतियों को पता, मान लीजिए किसी बच्चे की कान जैसे यहाँ पे कटा हुआ है या फिर उंगली, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों की उंगली से टेढ़ी हो गई, क्या वो मेडिकल ठीक हो सकता है या नहीं सकता, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल इंस्पेक्शन करते हैं। छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का आकलन करना, विद्यालय में उत्तम एवं स्वच्छ परिवेश उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य किसका, मेडिकल इंस्पेक्शन का, ठीक है। विद्यालय एवं परिवार संबंध की घनिष्ठ करना जिससे छात्र का स्वास्थ्य सूचना अभिभावक तक पहुँच सके, छात्रों में अच्छी स्वास्थ्य आदतों को विकसित करना, छात्रों में स्वच्छता की आदतों का विकास करना, साफ सफाई से रहने के लिए बच्चों को जागरूक करना, ठीक है। अब जो हमने दूसरा कहा इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षण, इसमें हम करते क्या है दोस्तों, प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को संक्रमक रोगों के प्रति प्रतिरोधक बने, जैसे मान लीजिए कोरोना आया, हमें वायरस वो टीका लगा,
अब ये क्या हुआ, हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षक डेवलप किया गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोरोना आए तो हमारी बॉडी उससे अच्छे फाइट करे। इसी तरह पोलियो का दवा लगाना, हेपेटाइटिस बी के टीके लगाना, इसी तरीके की मलेरिया के टीके लगना, तो ये क्या करता है आपकी बॉडी में, वो इम्यूनिटाइजेशन मतलब वो इम्यूनिटी बिल्ड करता है आपके शरीर में, वो प्रतिरक्षण बिल्ड करता है कि जब भी वो बीमारी या वो वायरस आप पे अटैक करे तो आप उससे अच्छा लड़ सके। ठीक है, इसे वैक्सीन या टीकाकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के टीके लगाए जाते हैं जो व्यक्ति को भविष्य में उन रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। यह टीके निष्क्रिय विषाणु से तैयार किए जाते हैं जिसके प्रवेश से शरीर में एंटीबायोटिक्स बनता है। ये एंटीबायोटिक्स प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब हमारी जो सिस्टम्स है उसको मजबूत करता है। यदि प्राकृतिक रूप से भी किसी प्रकार का संक्रामक रोग हो तो शरीर में एंटीबॉडी बनते ही रोग के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी आपका शरीर गर्म हुआ या बुखार, तो वो अपने आप ही उससे लड़ने लगता है, अपने आप ही उसको सही कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसे बीमारियाँ हैं जैसे जिसके लिए टीके लगाए जाते हैं, जैसे ये क्या है, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए बी, इसका टीका तो मुझे लगा है, इसका मुझे पता नहीं क्योंकि कई टीके बचपन में लगवा देते हैं, मुझे पता नहीं। खसरा, मफ, निमोनिया, रोटा वायरस, पोलियो, पोलियो की दो गोद जिंदगी की, दो गोद जिंदगी की, तो ये हमने पी रखी है। टेटनस का सुई जैसे मान लीजिए लगता है बीच बीच में, अगर आप किसी जंग लगे किसी औजार से या चाकू से आपके हाथ कट जाते हैं तो ये भी क्या करता है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। चेचक, ठीक है, काली खांसी, जर्मन खसरा, पीत ज्वार, रैबीज, रैबीज का मतलब जब कुत्ते काट लेते हैं ना, तो रैबीज, उससे पहले आप इंजेक्शन लगा लेंगे तो वो आपका अंदर से वो इम्यूनिटी डेवलप होगा और वो उससे लड़ेगा, उसको ठीक कर देगा। तो ये वो टीके हैं दोस्तों जो लगाए जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट देखेंगे इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, इस तरीके के देखिए छोटे छोटे टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, बिल्कुल पता है, आप लिख लेंगे। एक लास्ट आता है दोस्तों संतुलित भोजन जिसे कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट जिसे कहते हैं। देखिए संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन है जिससे आपको प्रॉपर सारे न्यूट्रिशन मिल जाए, मतलब आपको विटामिन्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, स्टार्च मिले, तो जो भी प्रॉपर आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ आपको मिल जाए। एक ऐसा डाइट, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा खाना जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में एक गिलास दूध पिलाया जाता था क्योंकि वो चीज़ों को मेंटेन करता है। ठीक है, स्वस्थ मतलब शुद्ध दूध, मुझे नहीं पता पॉकेट वॉकेट का, बट शुद्ध दूध पीना चाहिए इंसान को, वो आपके बैलेंस को डाइट को बैलेंस करता है। संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन है जो मात्र मानव की क्षुधा को ही प्राप्त नहीं करता वरन उसके साथ साथ शारीरिक मानसिक संवेगिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो गया, शारीरिक मानसिक संवेगिक स्वास्थ्य को, मेंटल फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। यह ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा मिली रहती है, मतलब ये एक ऐसा भोजन होता है दोस्तों जिसमें सभी पोषक, सभी न्यूट्रिशन जो होते हैं ना उसकी प्रॉपर बैलेंस मात्रा में उसमें अवेलेबल रहता है। भोजन शरीर में पहुंचकर शरीर का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा देता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कहने का मतलब बैलेंस डाइट का मतलब वो है जिसमें पर्याप्त मात्रा में दोस्तों क्या रहे, आपके सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल रहें, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, ओके राइट। अब आइए, अब कुछ और पॉइंट है जिसे मैंने कहा, जैसे मिड डे मील स्कीम, फर्स्ट एड, संक्रमण रोग, असंक्रमण, जैसे कि मिड डे मील, फर्स्ट एड, कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक छोटी सी वीडियो अगली वीडियो होगी उसमें हम देख लेंगे। सो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्या कर लेंगे, बहुत ही आसानी से दोस्तों इसको लिख लेंगे। आसान सा टॉपिक है, बस एक बार देखते हुए चलेंगे, समझे रहेंगे, पॉइंट दिमाग में रहेगा तो आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि कुछ हेल्प हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा लिखने में, तो आप इस तरीके से लिखिएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़िएगा चैनल से। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उससे आप हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप लेट से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, कोशिश करिए और लोगों को जोड़िए अपने दोस्तों तक। एक अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज ही सकते हैं जो आपके साथ रहता है या रहती है, मतलब है ना, जो दोस्त होते हैं उनको भेजो और कहो कि इससे पढ़ लो, इसका वीडियो देख लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट बी के साथ, और उसमें आपका फोर्थ यूनिट ये कम्प्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।